एवरीवन, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज वैलेंस मोड थ्योरी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वैलेंस मोड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? पॉलिंग के द्वारा, PAULING। वैलेंस मोड थ्योरी पॉलिंग ने दी थी। इसका पोस्टुलेट नंबर वन क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। सेकंड, सेंट्रल मेटल एटम है वैकेंट ऑर्बिटल्स। टू, एक्सेप्ट लोन पेयर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए लोन पेयर्स जो लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनको हम कैसे नियरली सेम एनर्जी के कर सकते हैं? बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के या नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। अंडरगो, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन चले जाते हैं। अगर वो सेम और नियरली सेम एनर्जी, तो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा अब इसमें? पोस्टुलेट नंबर थ्री, अगर इनर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे n-1d है टेक्स पार्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल दूं मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, d² sp3। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये मेरे पास पांच ऑर्बिटल्स है डी के, 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया फिर से 4d। ठीक है, 4s 4p 4d। अगर जो ये अंदर वाले d ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे d2 ये हो गए, और 3 और 1 4 और 5 और 6, तो ये 6 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? d² sp3। ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हो गया। उसके बाद फोर्थ है, अगर हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, इफ n d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से n d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल है जैसे sp3 d2। इसमें एग्जांपल कैसे? जैसे 3d 4s 4p और 4d, तो इसमें क्या लेंगे? s के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, p के भी और d के भी। तो इसमें d के यहां से दो छोड़ के यहां वाले दो ऐड कर लेंगे, दो यहां से। ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3 d2। ठीक है, इनको छोड़ के इस वाले दो ले लेंगे, तो sp d। तो ये तो sp3 हो गया, ये हो गया d2। ठीक है, sp3 d2, ये हो गया पोस्टुलेट नंबर फोर। पोस्टुलेट नंबर फाइव क्या है? जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है फॉर्म्ड है इज इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड विद इनर ऑर्बिटल्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है पोस्टुलेट नंबर फाइव,
कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो कब बनते हैं, जब वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड होगा तो क्या बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर वीक लिगेंड की जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो वो क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देंगे, तो फिर उसमें इनर ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो कौन से बनाते हैं, ज्यादातर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो जैसे मैं इसकी सीरीज बताती हूँ, इसकी सीरीज में लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन दिस सीरीज, जैसे फर्स्ट है ये सबसे कम है ब्रोमीन, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, फ्लोरीन, OH हाइड्रोक्साइड, C2O4 नेगेटिव, इथेन 1,2 डायमीन, H2O हाइड्रोक्साइड, नहीं हाइड्रोक्साइड नहीं, वाटर। ये क्या है, वीक लिगेंड्स। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं जैसे उनके एग्जांपल हैं पिरिडीन, NH3, NO2 नेगेटिव, EN, CN नेगेटिव, और ये क्या है, CO कार्बोनाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, CO, फिर CN, EN, NO2, NH3 अमीन, PY पिरिडीन। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जैसे कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें सबसे ज़्यादा कौन डोनेट कर सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर वो भी डोनेट, और हाइड्रोजन लास्ट में। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 6 क्या है हमारा, जनरली कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होते हैं, डायमैग्नेटिक जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्योंकि वो पेयरिंग करवा देते हैं, डायमैग्नेटिक इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो वो पेयरिंग करवा देते हैं, उसकी वजह से कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, और वो कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक, तो होते हैं उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और क्या कहते हैं उनको हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक होने की वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने की वजह से वो पेयरिंग करवा देते हैं, उसकी वजह से डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, और डायमैग्नेटिक होने की वजह से वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वही सेम एज इट इज, अगर वो पैरामैग्नेटिक होंगे तो क्या होंगे, वीक लिगेंड्स होंगे, पैरामैग्नेटिक इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, और क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और लो स्पिन की जगह क्या बनाएंगे, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो अब मैं सारे जो एक बार पॉइंट्स है सारे एक बार दोबारा रिपीट बता दूं। फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेंट्रल, फर्स्ट पॉइंट क्या, सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि वो लोन पेयर्स को जो लोग लिगेंड्स डोनेट करेंगे वो इजीली एक्सेप्ट कर सके। दूसरा, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, जो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना सके इजीली। थर्ड क्या है, N-1d अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अगर ND ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जैसे वीक लिगेंड्स हैं वो बनाते हैं, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तक क्योंकि वो पेयरिंग करवा देते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है,
जैसे इनमें ये एग्जांपल दे रखे है कि जो आयोडीन है वो सबसे कम वीक लिगेंड है, और ये वीक लिगेंड्स के एग्जांपल हैं, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। और जो अगर डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने पेयरिंग करवा दी और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं और लोअर स्पिंगल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड्स है, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करवा पाए। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट थे। अगर अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया NiCl4 2-। अब क्या है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। NiCl4 2- चार्ज, तो ये कैसे होगा, 2- चार्ज है तो Ni पे 2+ चार्ज है। Ni का हमें एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है, 28, ठीक है, 28 एटॉमिक नंबर होता है और 2+ चार्ज है इस पे। अब तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s2। अगर 2+ चार्ज है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और 2- चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2+ चार्ज है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए 4s में से ऑर्बिटल में, ये क्या है 3d, ये 4s, ये 4p, 4s में से 2 चले गए और 4p खाली है हमारा, ये भी खाली। तो इसमें Cl है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वो एक वीक लिगेंड है, तो वो पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो 3d में ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। और जब अब ये Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगी तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगी, 4s के साथ, p के साथ 3, तो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर इसमें अनपेड है तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, कैसा शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैंने और भी बताया था, पैरामैग्नेटिक होने की वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कैसे होते हैं, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, या आउटर ऑर्बिटल, ये अपना पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं बस, ठीक है। इसकी जो अगर शेप बनाना चाहिए तो NiCl4s Cl टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर होल के ऊपर 2- चार्ज। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया NiCn4, इस पे चार्ज है 2-। तो Ni की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, उसमें 3d में 8 होते हैं, पर इसमें जो लिगेंड अब की बार वो कौन है, Cn है, तो Cn लिगेंड होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, वो इसमें क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, जैसे 3d का था ये 1, 2, 3, इसमें ये ये हो गए डी के, ठीक है, तो आ गया 3d 4s 4p और 4d। तो इसमें हमें पता है कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर जो Cn है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो क्या करवा देगा, पेयरिंग, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे, ठीक है। पेयरिंग होने की वजह से इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, और 4 बॉन्ड बनाने, तो 1, 2, 3, 4, तो ये क्या बनेगा हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, DSP2, ठीक है, DSP2 है। तो इसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर शेप है, तो ये वैसे भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड कोई है ही नहीं, क्या ये डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं, हाई स्पिन या लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, बताओ, वो बनाते हैं लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक वाले, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये तीनों इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर हम NiCO4 ले लेते हैं, NiCO4, CO भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो भी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया NiCO4,
CO4 है, मैंने इस पे चार्ज तो कुछ है नहीं, अब इसमें से 4s में से 2 तो जाएंगे नहीं, अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर जो CO है वो पेयरिंग करवा देगा, तो ये जो 3D है वो कम्प्लीट फिल हो जाएगा। दो तो इसमें है, 4s का एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाने की वजह से CO4 के साथ कैसे ज्योमेट्री बनाएगा टेट्राहेड्रल। कुछ समझ में आया है आप सबको? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना समझ में आए, ना आए तो भी बता देना, ठीक है। पहले नोट करने के लिए एक पॉइंट है, जैसे H2O है, NH3 है और H2O है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CU2 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में बस, ठीक है, बाकी में वो वीक लिगेंड का काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके देखती हूँ, फर्स्ट NiNH3 6 और होल टू पॉजिटिव होल पे चार्ज, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके बनाएंगे तो Ni पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रखे हैं उसने, तो 3D के पास हमारे पास कितने आएंगे, 1, 2, 3, यही हमारे पास 8 आएंगे, और हमारे पास क्या है, NH3, वो पेयरिंग अप नहीं करवा पाएगा, ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो क्या बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्सेस, ये तो S हो गया, ये P हो गया और ये D हो गया, ये S4S, ये 3D, 4P और ये 4D। तो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, वो सिर्फ CU और CO3 पॉजिटिव में करता है, इसमें वो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर अभी इसके कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो क्या बनेगा, sp3d2, और इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 2 है, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो क्या बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और क्या होते हैं, हाई स्पिन के होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको Fe के केस में ले लेंगे तब भी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीक लिगेंड्स हैं, वीक नोट पे है ये पॉइंट भी, नोट, वीक लिगेंड्स हैं वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ 4D और 5D मेटल्स, जो 5D और 4D मेटल्स हैं उनकी प्रेजेंस में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करते हैं, जैसे NiCl4, इसमें वीक लिगेंड है Cl, पैरामैग्नेटिक भी बनाएगा, पर जैसे MPD है, पैलेडियम 2-, तो पैलेडियम के केस में वो कैसे काम करेगा, इसमें 5D ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो इसमें क्या करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवा देते हैं, पेयरिंग अप, तो ये पॉइंट याद रखना। और मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है, जैसे थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, जैसे ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, CuNH3 4, इसके ऊपर होल चार्ज है 2 पॉजिटिव, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या होती है, 3D10 4S1, अगर इसमें इस पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, क्योंकि इस पे 2 कमी है ना, तो ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे टोटल ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 3D10 4S1 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 3D9 बन जाएगा, तो उसमें सिर्फ एक स्पेस खाली होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें 2 कंप्लीट, इसमें 2 कंप्लीट, इसमें 2, इसमें 2, और ये रह गया 1, और ये हो जाएगा 4S 4P
4D, 3D, 4S, 4P, 4D, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक रह गया, 3D 9 हो गए, ठीक है। अब 4NH3 के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर, पहले ये बताओ NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा या वीक लिगेंड? मैंने अभी पीछे ही बताया था ये कैसे काम करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जो ये एक इलेक्ट्रॉन है स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, ना कि वो यहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा? इसमें 4p के एक ऑर्बिटल में चला जाएगा। किसमें? 4p के एक ऑर्बिटल में। कैसे? क्यों? क्योंकि जब भी हमने इसकी शेप देखी है ना, अगर हम केमिकली इसकी शेप देखते हैं CONH3 4 2 पॉजिटिव की, तो इसकी शेप हमेशा स्क्वेयर प्लानर आती है। क्या आती है? स्क्वेयर प्लानर। और वो पॉसिबल तब हो सकता है कि जब डी का 1 हो और ये 3 यूज हो रखे हो। तो स्टेबिलिटी के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे चले जाते हैं। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं? एक तो डी, ये होता है एस, और ये पी के 2 DSP2 शो करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रखा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रखा है, इसकी स्क्वायर प्लैनर शेप है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CO, C2O4, Oxalato 3, इसको क्या कहते हैं? 3-, ये है डायमैग्नेटिक। वो कैसे शो कर सकते हैं हम बताते हैं। देखो जैसे ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर नहीं देखे है तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है या शायद 3, ठीक है, देख लेना। सो CO3 है, CO3 पॉजिटिव, इसमें जो ऑक्सलेटो है वो कैसे काम करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। एज ए ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो पता ना, CO नेगेटिव, ठीक है, ये होता है। तो ऑक्सलेटो है वो कोबाल्ट की प्रेजेंस में कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग अप करवा देगा और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल, जैसे NiF6 एक्सेप्शन के केसेस हैं। कौन से हैं? एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बता रखे हैं। NiF6 है, इस पर 2- चार्ज है, तो ये भी डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो F है वैसे वीक, वो पता है हमें वीक लिगेंड होता है, पर Ni के केस में एक्सेप्शन है, ये Ni के केस में ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा। कैसे? एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा और वो डायमैग्नेटिक मतलब सारे पेयर अप करवा देगा। तो ये इसके 2 इम्पोर्टेंट केसेस हैं। और इसकी शेप कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये हो जाएंगे F, ठीक है। ये इसकी शेप होगी। अगर अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट तो नंबर ऑफ अजम्पशंस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ अजम्पशंस। जैसे अजम्पशंस कैसी कैसी हैं कि ये इसकी, अगर ये होगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, अगर ये एटम होगा तो उसमें ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये हमें कोई भी स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा वीक लिगेंड। तो नंबर ऑफ एजम्पशंस पे बेस है पहले तो ये। सेकंड है ये मैग्नेटिक डाटा के बारे में क्वांटिटेटिवली कुछ नहीं बता रखा है, मैग्नेटिक डाटा के बारे में क्वांटिटेटिवली कुछ नहीं बता रखा है कि कितनी क्वांटिटी में वो डायमैग्नेटिक होगा, कितनी क्वांटिटी में पैरामैग्नेटिक होगा, ये इसमें कुछ नहीं बता रखा है।
थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कलर एग्जिबिट, कलर के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है इसने, कलर्स के बारे में कुछ नहीं बताया ऑफ वीबीटी कंपाउंड्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी भी नहीं बता रखी, डज नॉट टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। फिफ्थ है, इसने ये भी नहीं बता रखा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड है, ये एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए या इनके बारे में फर्क नहीं बता पाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, ये सारे नोट वाली कंडीशन है। और ये क्या है, लास्ट पॉइंट है, ये कुड नॉट एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल एंड द स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किसका टेट्राहेड्रल होगा किसका स्क्वायर प्लैनेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे और सीरीज हमें पता ही है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो मैं कुछ कंपाउंड्स दे रही हूँ कि आप वीबीटी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, जैसे FeCO5 इसके बारे में एक्सप्लेन करना सारी प्रॉपर्टीज, और है CO NH3 पॉजिटिव इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करना। ये लास्ट के दो क्वेश्चन दे रही हूँ, इनको जरूर सॉल्व करके बताना। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न दिस VBT बिकॉज देर आर मैनी assumptions इन दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।